आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ यास्मीन खान। आज का जो हमारा स्पेशल प्रोग्राम है, हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। वी हैव विद अस द डिप्टी कमिश्नर ऑफ बांडीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद। सर हैज़ बीन काइंड इनफ टू स्पेयर सम टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो आपको बधाई कि गुरेज में जो है इलेक्ट्रिसिटी आई है। देखिए जब हम गुरेज की बात करते हैं, दूर दराज का इलाका है, बट देन देर आर सेवरल विलेज जो कि बहुत एक्सट्रीम पे है। इनफैक्ट लास्ट विलेज जो वहाँ पे, वहाँ तक अभी भी बिजली नहीं पहुँची है। सो हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए मैं इसमें पहली चीज़ ये क्लियर करना चाहूँगा कि बिजली पहली बार नहीं पहुँची है वहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई था, बट दैट वॉज थ्रू डीजी सेट्स जिनको हम जनरेटर्स बोलते हैं, एंड दैट वॉज स्टिल दी लास्ट विलेज। ऐसा कोई विलेज नहीं था जो कवर्ड नहीं था, सारे विलेजेस में कम से कम बिजली तो थी, वो भले ही वो डीजी सेट से थी। और ये पहले 3 घंटे 4 घंटे रहा करती थी, पिछले 2-3 साल से इसको भी जितना मैक्सिमम कैपेसिटी है, बिकॉज डीजी सेट्स के लिए हमें स्टोरेज चाहिए डीजल के लिए, तो वो मैक्सिमम ऑगमेंट करके 7 से 8 घंटे कोशिश रहती थी वो बिजली सप्लाई वहाँ पे मिले जी। अब जो है, अब ये ग्रिड कनेक्टेड पावर सप्लाई वहाँ पे पहुँची है, और ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट रहा गवर्नमेंट का, जिसमें जो हमारा टफ टेरेन है, राजदान पास है, उसको क्रॉस करके बिजली की लाइन वहाँ तक पहुँचाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये फर्स्ट टाइम हो पाया है। आप जानते हैं कि इससे पहले वहाँ ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं थी, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि अब उनको 24 घंटे बिजली मिल सकती है, जो कि पहले 7 से 8 घंटे मिल पा रही थी। अब इनिशियली ये जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, 7 पंचायतें हैं जिनमें अभी बिजली ग्रिड से पहुंच पाएगी। आने वाले टाइम में बाकी विलेजेस भी इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, उनमें भी पहुंचेगी। बिकॉज डीजी सेट से क्या होता है कि एक विलेज के लिए या 2 विलेजेस के लिए एक डीजी सेट होता है, बड़ा डीजी सेट होता है वो, तो इसलिए वो इंटर विलेज कनेक्टिविटी कम है। विद इन विलेज तो ग्रिड जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी है। तो अब हम इंटर विलेज कनेक्टिविटी भी साथ साथ पे काम कर रहे हैं, ताकि बाकी विलेजेस में भी यहीं से जो हमारी 33 kV लाइन जा रही है इससे बन जाए। वहाँ रिसीविंग स्टेशन भी हाल ही में इसी वजह से बनाया गया। तो और उसके अलावा NHPC का एक हमारा सब्सिडरी प्रोजेक्ट है, लगभग 2 MW का है, उससे भी बिजली और ज़्यादा ऑगमेंट हो जाएगी। तो ये 2-3 तरीके से बिजली के सोर्स वहाँ पे रहेंगे, और किसी गांव, कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें आज के टाइम पे भी बिजली नहीं हो, और आने वाले टाइम में 24 आवर बिजली हर एक गांव में पहुँचेगी जी। जब से आप SDC यहाँ पे अपॉइंट हुए, तो टूरिज़्म का काफ़ी हमने देखा कि ब्लूम हुआ है यहाँ पे। इनफैक्ट तो गुरेज़ की अगर स्पेसिफिकली बात करें, तो काफ़ी विजिटर्स गुरेज़ अब जा रहे हैं। बट गुरेज़ पे अगर हम रास्ते की बात करते हैं, गुरेज़ इवेंचुअली द्रास को कनेक्ट करता है, एंड वी आर द्रास you can go to Himachal very easily. Is there any road map या कुछ ऐसा काम हो रहा है road connectivity के लिए कि अगर द्रास के साथ उसको connect किया जाए? देखें initially तो जब हमने देखा कि शुरुआत में गुरेज बांडीपुरा रोड ही ठीक नहीं थी, 80 किलोमीटर रोड है, और मुझे लगता है roughly 50% ही मैगडमाइज थी, और 50% बहुत ख़राब हालत में थी। अभी hardly 8 किलोमीटर का कुछ एक स्ट्रेच है, 8 से 10 किलोमीटर का, जिसपे विच इज़ नॉट मैगडमाइज्ड बट स्टिल इट इज़ पेव्ड और उस तरीके से है। अब विद इन गुरेज़ कभी किसी डिपार्टमेंट ने मैग्नमाइजेशन पहले नहीं किया था, RNB ने, किसी डिपार्टमेंट ने, तो वो फर्स्ट टाइम मैग्नमाइजेशन अंदर भी हुआ, रोड कनेक्टिविटी बढ़ी है। अब ये जो आप लिंक बता रहे हैं, ये तुलेल से द्रास का जो है, ये काबुल गली से होते हुए अभी ये 4x4 रोड है, मैग्नमाइज नहीं है, टेरेन थोड़ा सा टफ है। ट्रायल रन पे कुछ कार रैलीज़ वहाँ पे करवाई गई हैं, बट अभी प्रॉपरली उसको एज रोड ओपन नहीं किया गया, क्योंकि उसके लिए हमें सेफ्टी नॉर्म्स भी देखने हैं, उसके लिए हमें फिजिबिलिटी देखनी है। और ये रोड हार्डली 1-1.5 महीना अभी खुला रह पाता है, जो जिस तरह के, जिस ऑल्टीट्यूड पे ये है, तो एक पोटेंशियल ज़रूर है, उस पर काम कर रहे हैं, बीकन उस पर काम कर रहे हैं, और हमारी उस पर अक्सर बात होती रहती है, लोगों की तरफ से भी डिमांड है। और अभी हाल ही में LG साहब ने खुद फ्लैग ऑफ की थी एक 4x4 कार रैली जो तुलेल से द्रास के लिए उस रोड पे गई है, तो फिजिबल भी है, परमिशन टू परमिशन बेसिस पे अभी अलाउ भी कर रहे हैं, बट पूरी तरीके से रोड मैप में लाने में टाइम ज़रूर लगेगा, बट आने वाले दिनों में आ जाएगा जी। देखिए जब बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं, तो इल्म के लिए जाना जाता है। तो अभी कुछ नौजवानों से मेरी बात हुई, जिनका ये कहना है कि जी हमारी डिमांड है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे ना DC साहब कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेके कुछ स्कॉस्ट ही बने, कोई यूनिवर्सिटी का कैंपस ही हो हमारे लिए, GMC हो, तो उस रिगार्ड में थोड़ा बताएं कि क्या है। देखें जहाँ तक इल्म की बात है, एजुकेशन सेक्टर की बात है, बांडीपुरा में एक शुरू से एक फजीलत है यहाँ पे, और एक एडवांटेज रहा है कि यहाँ के कल्चर में इल्म बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, तो उस वजह से इस तरह की डिमांड्स हमेशा से रही हैं और प्रोग्रेसिव रहा है।
यहाँ पे हमारे हम डिग्री कॉलेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में कई सारे नए डिग्री कॉलेजेस यहाँ पे सैंक्शन किए, और बांडीपुरा मुझे लगता है वाहिद ऐसा ज़िला है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जहाँ पे 2 KVK हैं कृषि विज्ञान केंद्र जो होते हैं, वो भी एक गुरेज़ में एक यहाँ पे हैं, क्योंकि यहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है, पोटेंशियल ऐसा है। तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो अभी डिग्री कॉलेजेस हैं, जो अभी स्कूल का सिस्टम है, वो तो प्रॉपर्ली केटर कर पा रहा है। बट हाँ, अगर बच्चे इसको एक स्टेप फर्दर ले जाने की बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हमें यूनिवर्सिटी उस तरह की कुछ यहाँ पे चाहिए, GMC चाहिए, तो प्रपोजल बनाया जा सकता है। बट मुझे लगता है अभी जो आज की यहाँ की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग इनफैक्ट सफिशिएंट भी हैं, हमारे पास अभी और भी कैपेसिटी है, हमारे डिग्री कॉलेजेस हों या बाकी जितने भी हमारे कोर्सेज यहाँ पे चल रहे हैं उनमें बच्चों को एनरोल करने के लिए। दूसरा, हमारे तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये भी कोशिश की गई, जो हमने करियर काउंसलिंग सेशंस रखे या हमने जहाँ पे बच्चों के साथ बात की, तो हमने थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाके जो आज की रिसेंट एजुकेशन सिस्टम है जिससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं, एम्प्लॉयबल भी बन सकते हैं और स्किलिंग बेटर हो सके, उस पर भी हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया। तो उसमें हमने कई सारे ऐसे रिसोर्स पर्सन्स हैं जो पुणे से और बाकी जगहों से आके, जिन लोगों ने आज के टाइम पे बच्चों को बताया कि किस तरीके से वो घर बैठे बैठे भी, अगर उनको कुछ कंप्यूटर के प्रोग्राम सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज है, वो एक्सेल है या अलग अलग है, तो किस तरीके से वो कुछ एक अच्छी अपनी सस्टेनेबल इनकम बना सकते हैं। तो वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन स्किलिंग बिसाइड्स जो खाली एजुकेशन होता है, और जॉब फेयर्स भी उसी वजह से लगाए गए हैं बहुत सारे। तो ओवरऑल एक एजुकेशन सिस्टम नॉट जस्ट कि सब बच्चों के पास डिग्री हो, बल्कि स्किल्स भी हों और अपॉर्चुनिटीज़ भी हों, कहीं पे एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़े, उसकी तरफ हम लोग फोकस कर रहे हैं। और इसमें हम जो राय है, हम लोग अपने यूथ जो है उन्हीं से लेते रहते हैं। अभी इनफैक्ट आफ्टर अ डिकेड ऐसा हुआ कि जो छोटा अमरनाथ यात्रा है उसको फ्लैगशिप यहाँ से किया, इनफैक्ट यू वर प्रेजेंट देयर। तो थोड़ा मुझे बताया कि लोकल कनेक्ट कैसा था, मुस्लिम्स का किस तरह से सपोर्ट उसमें देखने को मिला? देखें, एक चीज़ आप जानते हैं कि बांडेपुरा है या कोई भी जगह है यहाँ पे, वो एक लोकल हारमोनी और उसके लिए जानी जाती है। यहाँ पे ट्रेडिशनली जो हमारे जैसे छोटा अमरनाथ यात्रा है ये हुआ करती थी, और पिछले 10-11 साल से नहीं यहाँ पे यात्रा हुई। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले अगर प्रपोजल कहीं से आया तो वो लोकल लोगों की तरफ से आया, उन्होंने जी बोला कि इस तरह से यात्रा होती थी, फेस्टिव माहौल होता था, सेलिब्रेटरी होता था, हम लोग भी जाया करते थे, तो हमें ये यात्रा दोबारा से करवानी है। फिर जब हमने सारे स्टेक होल्डर्स से बात की और हमने जब हमने बोला तो इसको रेकी करके आना होगा, देखना पड़ेगा वहाँ क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो सबसे पहले जो टीम गई है, जो लोग गए हैं, उसमें लोकल लोग ज़्यादा थे, वहाँ के BDC थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, मोहिद्दीन साहब हैं, वो खुद गए हैं, बाकी लोग तो हमारी टीम तो गई, ऑफिसर्स भी गए, और पूरा रास्ता देख के वापस आके प्रेजेंटेशन की बनाई गई, जी और जिसमें जो वहाँ के सरपंच BDC DDC हैं उन लोगों ने एक्सप्लेन किया कि ये विलेज ऐसा हुआ करता था, यहाँ पे ऐसे जाया करते थे, यहाँ पे ये दिक्कत आती है, यहाँ पे हमें लंगर रखना चाहिए, यहाँ पे हमें पानी का प्रोविज़न रखना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमें लोकल लोगों से ही ज़्यादा जानने को मिली, क्योंकि ट्रेडिशनली वो जानते थे क्या होता है। और उसके बाद से लेके पूरी प्लानिंग वहाँ पे, अगर हमें कुछ रास्ता ठीक करना था क्योंकि बहुत टाइम बाद हो रहा था, और कहीं पे हमें कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करनी थी, उन सब में वो साथ साथ में लोग खड़े रहे। और जब फाइनली जब यात्रा हुई है तो मुझे लगता है कि हमारे लोकल लोग बहुत ज़्यादा नंबर पे साथ साथ में थे और हेल्प भी कर रहे थे, साथ में भी जा रहे थे, और जब वापस आए, वो वापस आके हमसे मिले, जी वो बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे, उनको जो उनकी सेटिस्फेक्शन थी वो देखते ही बनती थी, और इस चीज़ को उनको खुशी थी कि एक ये ट्रेडिशन ये रिवाइव कर पाए, और वो चाह रहे थे कि अगले साल इससे भी बड़ी हम यात्रा करवाएं। जी तो हम लोग कोई भी प्लान करें, अगर उसमें लोकल्स का इस तरह से सपोर्ट मिलता है तो वो चीज़ और ज़्यादा बेहतर होकर सामने आती है। और जो अभी जिस तरह से यात्रा हुई, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ और बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। देखिए, एक आखिरी और अहम सवाल मेरी तरफ से रहेगा कि जब हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं तो पूरी जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें ड्रग्स बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं कि यूथ को जो है ड्रग्स से दूर रखा जाए? देखिए, नशा मुक्त भारत अभियान सब जगह उसके तहत प्रोग्राम चल ही रहे हैं। बांडीपुरा में ख़ास तौर पे हमारी ये कोशिश रही कि हम
इस चीज़ की जो बात है, हमें सबसे पहले हमने जो कमी देखी वो ये थी कि इस चीज़ पे बात नहीं बहुत ज़्यादा खुल के होती थी। पेरेंट्स अपने बच्चों से बात नहीं करेंगे, शर्माएंगे, या बाकी जगहों पे भी जब सोशल गैदरिंग्स है वहाँ पे उस चीज़ में बात नहीं होती। तो हमने सबसे पहले ये कोशिश की हम काउंसिल करें पेरेंट्स को, रिलीजियस जितने भी हमारे यहाँ पे हेड्स हैं, वो मस्जिदें हों, वो इवन हमारे पास कुलूसा में टेम्पल है, जो लोग भी वहाँ पे जाते हैं कम से कम हफ्ते में एक दिन ऐसा मुकर्रर करें या जब भी मौका मिले तो अपना कोई भी आपकी कोई बात है उसमें 5 मिनट इसके बारे में बात करें, ताकि ये नॉर्मलाइज हो, लोग इसके बारे में बात करें, बच्चों तक बात पहुँचे कि ये चीज़ गलत है। और एक सही उम्र में बात जब पहुँचती है तो बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा, हमने ये कोशिश की कि जो पेरेंट्स हैं वो किस तरह से सिम्टम्स देख सकते हैं अगर कोई बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो बेहतर है कि पहले पता चल जाए और वो उसका इलाज हो सके। तो वो एक काउंसलिंग करके पेरेंट्स को, बाकी लोगों को, हमारी कोशिश हुई पीआरआईस को, सरपंचेस पंचेस को, इस चीज़ के बारे में बताया गया कि आपके वहाँ पे अगर कोई बच्चा के पास ये सिम्टम है, वो अलग रह रहा है, पैसे की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बाकी उसके सिम्टम जो भी ट्रेडिशनली रहते हैं, तो उस पर ध्यान दें। और तीसरा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि जो इस तरह की आदत में पड़ चुका है वो एक क्रिमिनल ना होते हुए विक्टिम ज़्यादा है, किसी ना किसी वजह से वो इस चीज़ में फंस गया है। कुछ भी वजह रहे, हो सकती है, हो सकता है प्रॉपरली काउंसलिंग नहीं थी, प्रॉपरली पता नहीं था, तो हमें उसका ट्रीटमेंट करवाना है। और ट्रीटमेंट करवाने में कोई शर्म की बात नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। किसी के घर में कोई ड्रग एडिक्ट था तो वो शर्माते थे कि हम क्या बताएं सोसाइटी में कि हमारे घर में हमारा बेटा या भाई या कोई ऐसे कर रहा है। तो वो चीज़ नॉर्मलाइज कराने की ज़रूरत थी। हमने एग्जांपल्स दिए, हमने बताया कि आप अकेले नहीं हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड ओवर प्रॉब्लम है, यहाँ भी बढ़ रही है, हमें इसको कंट्रोल करना है। तो हमने बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए, बच्चे या जो भी लोग हैं उसमें जो इन्वॉल्व हो जाते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास डी एडिक्शन सेंटर यहाँ पर बन के तैयार है। वो यहाँ पर सेंक्शन किया गया और बनाया गया, और हमारा ओपीडी फैसिलिटी तो चल ही रही है। अभी हमारी कोशिश है कि सुंबल में भी सिमिलर ओपीडी फैसिलिटी हम जल्दी इस्टेब्लिश कर लें। तो ये दो तीन जो इदारे बन गए जो प्रॉपरली ट्रीट कर पाते हैं, फिर हम उससे देख पाए कि उनके ट्रीटमेंट कितने ज़्यादा लोगों का कर रहे हैं, फॉलोअप कैसे हो रहा है, और क्या वो लोग इस चीज़ से बाहर निकल पा रहे हैं। और इसको एक जो किसी का घर में ड्रग एडिक्ट का प्रेजेंट होना जो टैबू था उसको थोड़ा सा दूर करके हमने ये बोला कि इसको इसको इलाज कराने के लिए लेके जाएं, वो सामने करें। तो काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है जहाँ तक मुझे नंबर्स एग्जैक्टली याद हैं, मोर देन 900 लोग जो हैं, जो जिन लोगों को हमने रीच किया उनका जब फीडबैक आया तो उन्होंने हमें ये बोला कि, क्योंकि हमने जब भी कोई प्रोग्राम किया तो हम उसका फीडबैक लेते हैं, हमने फीडबैक लिया तो ये चीज़ सामने आई कि बहुत सारी बातें उन्होंने पहली बार सुनी थी, शायद उनको उतना एक्सपोजर नहीं था, इतना जानते थे कि ड्रग्स गलत हैं बट बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर नहीं था कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, और उससे ये चीज़ हमें समझ आई कि हम ये डिसिमिनेट करने में कामयाब रहे। दूसरा, जो ड्रग पेडलर्स हैं, अक्सर औकात हमने ये भी लोगों के साथ डिस्कस किया कि उनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता है कि पहले इनोसेंट स्टूडेंट हैं, उनको किसी तरह से उसमें सामने थोड़ा सा ड्रग पकड़ा के उनको बोलते हैं कि इन्वॉल्व कर लेते हैं, कई बार फ्री में भी दे देते हैं शुरू में, और जब वो इन्वॉल्व हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है, तो फिर वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो उस तरह के ड्रग पेडलर्स के ऊपर एक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और उस पर एक्शन किए गए, हमारे कई सारे FIR NDPS के अंदर केसेस रजिस्टर हुए हैं, और बहुत बड़े बड़े कार्टल्स यहाँ पे बस्ट हुए हैं जिसकी वजह से काफ़ी डिटरेंस भी है। तो जहाँ तक पेडलिंग की बात है उस पर तो स्ट्रिक्टली हम उस पर लीगल एक्शन ले लेते हैं, और जो इस चीज़ के विक्टिम हैं उनको ट्रीट भी कर रहे हैं और अवेयरनेस चला रहे हैं। तो ये जो हमारी 3-प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी रही इसमें, मुझे लगता है उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट सामने आए, और आप भी फील्ड में देख सकते हैं कि अवेयरनेस भी बढ़ी है और लोगों को पता है कि अब अगर ऐसा कुछ होता है तो कहाँ जाना है। जी, दिस वन मोर क्वेश्चन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी विच आई वुड लाइक टू आस्क, कि देखिए जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन होती है, चाहे फिर पॉलिटिकल पार्टी हो, डिस्ट्रिक्ट में कोई भी हो, एक ट्रस्ट डेफिसिट होता है लोगों का। बट बांडीपुरा के अंडर मैंने ये देखा कि लोग जो है, स्पेशली अगर यूथ की अगर हम बात करें, तो बहुत एक्टिवली एंगेज हो रहे हैं, गवर्नमेंट की चाहे स्कीम हो, इवेंट्स हो, कुछ भी हो, सेमिनार हो, उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हाउ डिड यू ब्रिज दैट गैप? देखें, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। हमारी शुरू से कोशिश रही, गवर्नमेंट की भी ये डायरेक्शन थी कि जितना ज़्यादा हो सके लोकल लोगों को इन्वॉल्व करिए। मुझे लगता है हमारा जो सबसे बड़ा एक ब्रेक थ्रू रहा वो ये था कि हमारे रिलेशंस PRIs के साथ, जो पंचायती राज रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिसमें सरपंचेस पंचेस आते हैं, BDC DDC आते हैं, जो एक गैप होता था वो हमने कोशिश की हम ब्रेक करें, वो इस तरीके से कि जो उनके जेन्युइन काम है हम उसमें उनके बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट
हमारी तरफ से कोशिश रहती है, अगर कहीं पे कोई जेन्युइन सा काम है और किसी वजह से रुका हुआ है, किसी हर्डल है या किसी डिपार्टमेंट का ही हर्डल है, उसको दूर करके जेन्युइनली काम जो है उनको क्लियर करें, क्लियर तरीके से बताएं लोगों को कि ये काम हो सकते हैं ये नहीं हो सकते हैं, वो भी फिर समझते हैं, फिर जो हो सकते हैं वही लाते हैं। और जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, मुझे नहीं लगता मेरी कोई ऐसी हमारी कोई भी ऐसी गैदरिंग जिसमें किसी चीज़ का डिसिमिनेशन करना है वो विदाउट PRIs या यूथ जाती होंगी, उनको इन्वॉल्व करते हैं उसमें, उन्हीं से बात करवाते हैं, उन्हीं से बुलवाते हैं, उनसे ही उस चीज़ों पे हम लोग इन्वॉल्व करते रहे। एक तो ये रहा, दूसरा यूथ के साथ पर्सनली भी मुझे लगता था कि हमें कनेक्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता था कि कई बार जो एक्सपोजर कहीं बाहर कहीं पे है वो हम यहाँ पे क्यों नहीं दे सकते, तो हमने ये कोशिश की कि जो यूथ हैं उनको, वो भले ही करियर काउंसलिंग हो, वो सोशल इश्यूज हो, कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा नंबर पे हमने कोशिश की हम उनको इन्वॉल्व करें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, यूथ ही हैं, शबनम नाम है उनका, वो मेरे पास आई और उन्होंने रिसर्च किया था कि उनका इलाका जो है ट्राइबल एरिया है केचन का, वहाँ पे टूरिज्म पोटेंशियल बहुत अच्छा है। तो मैंने बोला आपका क्या आइडियाज़ उसको लेके, उन्होंने बोला हम उसको टूरिज्म मैप पे ला सकते हैं और इस तरह से ला सकते हैं। तो हमने उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करवा के अपने ऑफिसर्स का वहाँ भिजवा के सब कुछ करके पूरा प्लान किया कि वहाँ पे किस तरीके से हम एक फेस्टिवल छोटा सा ऑर्गेनाइज़ करवाएं ओन रिसोर्सेज से। लोकल लोगों ने खुद मिलके उस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ कराया, वो एक ट्राइबल फेस्टिवल बहुत सक्सेसफुल सा हुआ। उसके बाद अब वो बड़ा अच्छा ऑफ रोडिंग और बाकी डेस्टिनेशन कैंपिंग साइट बन गई और धीरे धीरे करके एक छोटा सा गाँव, बहुत रिमोट गाँव, मतलब दूर है, रिमोट में उस सेंस में बोलूँगा कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ का जो गांव है वो एक टूरिज्म मैप में आ पाया। तो जब लोगों को भी लगता है कि उनके आइडियाज़ को सीरियसली लिया जा रहा है और उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो वो और ज़्यादा पॉजिटिवली और ज़्यादा सामने आते हैं। और ये चीज़ें छुप नहीं सकती हैं, चीज़ें सामने आ ही जाती हैं जब उनको लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है। तो हमारी यही कोशिश है कि उनके आइडियाज़ भी लिए जाएं, अपने आइडियाज़ भी बताए जाएं, बहुत क्लियर रहें हम लोग, अप्रोचेबल रहें, हमसे मिल सके अगर कोई मिलने के लिए आना चाहते हैं। एक चीज़ पे और ज़्यादा हमने ये कोशिश की कि हमारा कोई भी ऑफिसर है, अगर मुझे कहीं से कोई फ़ोन करता है या कोई सिटीज़न या कोई भी बंदा कोई अपनी ग्रीवेंस बता रहा है, तो इमीडिएटली कम से कम उस पर रिस्पॉन्ड तो करें, हम इमीडिएटली रिजॉल्व करें ना करें, बट एटलीस्ट रिस्पॉन्ड करें, ही गेट्स टू नो कि हाँ इस पर सुना भी जा रहा है। धीरे धीरे करके वो बहुत ही कम ऐसी क्रॉनिक सी चीज़ें होती हैं जो रह जाती हैं, जो कई बार नहीं हो सकती हैं, गलत होती हैं, मैक्सिमम इशूज़ जो हैं वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं। और ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, जब ऐसा फीडबैक पॉजिटिवली जाता है सोसाइटी को, वो और ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाते हैं। तो वी आर लकी इन दैट सेंस, और ऑब्वियसली लोग भी काफ़ी समझदार हैं, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं चीज़ों में। सो दिस हैज़ बीन अ वेरी मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन, थैंक यू अगेन फॉर स्पेयरिंग सम टाइम फॉर द सेट। थैंक यू सो मच।